असलम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए एक ईमेल आईडी बना सकते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर आप अपने प्ले स्टोर के आईडी के लिए तो सिंपली आपको करना है कि आपको जी मेल ओपन कर लेना है आपको आपके मोबाइल के अंदर में एक एप्लीकेशन नज़र आ रहा होगा जिसका लोगो कुछ इस तरीके से होगा जी सिंपली आप इस एप्लीकेशन को खोल लीजिए जिस इसको खोल लेंगे खोलने के बाद में जो है अगर आप पहले से लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा अदरवाइज आपको बगल में एक स्क्रीन नज़र आ रहा है कि आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कैसा नजर आएगा सेकंड टाइम ओपन करेंगे तो कैसा नजर आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको करना क्या है सिंपली आपको नजर आ जाएंगे आपके नेम का पहला कैरेक्टर या फिर जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन होंगे उसका पहला लेटर जैसे ए बी सी डी में पहला लेटर अब्दुलरमान में पहला ए या फिर आपको आपका फोटो नज़र आ जाएगा सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑप्शन नज़र आएंगे ऐड अनदर अकाउंट सिंपली आपको ऐड अनदर अकाउंट पर आपको क्लिक करना है जैसे आप ऐड अनदर अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको करना है क्या है सिंपली आपको गूगल पे क्लिक करना है सिंपली यहाँ पे मैं चूज़ कर लूंगा गूगल गूगल चूज करते ही आपको आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक पूछेगा तो सिंपली आप उसको बायो फिंगरप्रिंट दे करके आप उसका जो है लॉक खोल लीजिए या फिर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए आप अपने मोबाइल का तो जो है आपका मोबाइल लॉक खुल जाएगा इसके बाद में जो है यहाँ पे साइन इन के लिए बताएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते ही जो है यहाँ पर क्रिएट अकाउंट आपको नजर आ जाएगा जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा फॉर माय पर्सनल यूज़ या फिर फॉर वर्क और माय बिजनेस सिंपली आपको फॉर माय पर्सनल यूज़ पे आपको क्लिक कर लेना है अब आपको दिख रहा है कि क्रिएट अ गूगल अकाउंट यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है मैं यहाँ पे अपना नेम डाल दूँगा आप फर्स्ट नेम में ही पूरा नेम डाल सकते हैं या फिर आप सर नेम में भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर नेम को तो मैं सिंपली फर्स्ट नेम में मैं अपना पूरा नाम डाल देता हूँ जिस नाम से मुझे ईमेल आईडी चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँगा आर्म्स ग्रुप अगर आपका नाम अब्दुलरहमान और आपके अबू का नाम गुफ़रान है तो सिंपली आपको यहाँ पे अब्दुल रहमान लेना है यहाँ पे गुफ़रान डाल लेना है उससे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि आपको आपके नेम का ही ईमेल आईडी आपको मिल जाए जैसे कि आर्म्स ग्रुप ये यूनिक नेम है तो जाहिर सी बात है इसका ईमेल इस नाम का ईमेल आईडी मिलना मेरे लिए आसान है सिंपली इसके बाद में नाम डालने के अंदर सिम्पली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे बेसिक इन्फॉमेशन पूछेंगे कि आप अपना बर्थडे बताइए उसके बाद में आप अपना जेंडर बताइए तो बर्थडे में आप अपना बर्थडे यहाँ पर एंटर कर दीजिए जैसे मैंने अपना बर्थडे एंटर कर दिया कि मैं किस दिन पैदा हुआ था उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे जेंडर के अंदर में आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है यहाँ पे जो है कोई भी जेंडर मुझसे मैच नहीं कर रहा क्योंकि मैं जेंडर एक मैं ग्रुप के लिए बना रहा हूँ तो फॉर माई पर्सनल यूज है बट एक ग्रुप के लिए है तो मैं इसको कस्टम पे क्लिक करके मैं दे दूँगा अगर आप मेल हैं तो आपको मेल चूज करना यानी आप मर्द हैं या फिर बॉय है लड़का है तो फिर सिंपली आप मेल पे क्लिक कर दीजिए अगर आप लड़की हैं या फिर आप कोई वुमेन है तो सिंपली आपको करना क्या है वुमेन है तो फीमेल पे आप चूज कर लीजिए या फिर आप नहीं बताना चाहते तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं मैं सिंपली कस्टम पे क्लिक चूज करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली ग्रुप डाल दूँगा क्योंकि बस एक ग्रुप नाम से मैं एक जेंडर बना देता हूँ दैट्स इट और यहाँ पर जो है रेफर में जा करके जो कि मैं अदर चूज़ कर लूँगा आप भी अपने हिसाब से कस्टम चूज़ कर सकते हैं बट आपको अगर आप कोई लड़का है तो मेल चूज़ कीजिए और लड़की है तो फीमेल चूज़ कीजिए उसके बाद तो में सिम्ली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर नेक्स्ट बटन मुझे नज़र आ रहा है आप इस तरीके से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए चले जाइएगा ठीक है सिम्पली आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए हर एक स्टेप्स का आप चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं उस हिसाब से आप अपना देख करके बाद में भी कर सकते हैं उसके बाद में जो है आपको आपके नेम का एक ई मेल क्रिएट करके आपको दे देगा यानी आपको कुछ सजेशन्स देंगे यहाँ पर चूज़ योर जी एड्रेस सिंपली आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है अगर वो आपको आपके लिए फिट बैठता है तो अगर नहीं तो सिंपली आप क्रिएट योर ओन ई मेल जी एड्रेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है आप अपने नेम को यहाँ पे इंटर कर दीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ रहमान अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अगर अवेलेबल होगा तो दे देगा अगर, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बताएगा कि दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राइ अनदर तो सिम्पली आपको करना है क्या यहाँ पे आपको अपने फ़ादर नेम को इंक्लूड कर लेना है यानी आप अपने फादर नेम को भी यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप कोई कुछ और भी चीज़ें डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जैसे मैं यहाँ पे फ़ादर नेम इस तरीके से आप अपने फादर के नेम को आप यहाँ पर डाल दीजिए या फिर आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं है ना वन टू थ्री या फिर फोर फाइव सिक्स जो भी आपको लगेगा कि हाँ नंबर आपको डालना है तो अपने हिसाब से नंबर डाल करके जो ई मेल आपको चाहिए जिस नाम से और जिस नंबर से तो आप यहाँ पर डाल करके अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा बट मुझे यहाँ पर जो सजेस्ट कर रहा है तो मुझे वही चाहिए तो सिंपली मैं उस सजेशन जो सजेस्टेड ई मेल आई है मैं से एक को चूज़ कर करूँगा जैसे कि आर्म्स ग्रूप एट ये ई मेल मुझे चाहिए तो मैं इसको ले लूँगा और एक और चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा क्रिएट योर ओन जी मेल एड्रेस के अंदर में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है छह लेटर्स से नीचे नहीं होने चाहिए जैसे कि अगर मैं सिर्फ मैं मैं यहाँ पे डाल दूँ ना अगर मैं यहां पे सिंपल आर्म्स डालता हूं और अगर नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे आप आपको बताएगा कि आपका ईमेल आईडी जो है वो होना चाहिए छः और तीस कैरेक्टर्स के अंदर अंदर में ना कि उससे तीस से ज़्यादा ना ही छः से कम तो यहाँ पे पाँच है तो जाहिर सी बात है इस वजह से जो है ये ई मेल नहीं बना पाएगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके नेम के अंदर में अगर छः कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं उससे कम आ रहे हैं तो सिंपली आप अपने फादर नेम को इंक्लूड कर दीजिए आपका ईम आई बन जाएगा या फिर यहाँ पे जो सजेशन मैं आपको देंगे आप यहाँ से चूज कर लीजिए तो मैं यहाँ पर सिंपली चूज कर लेता हूँ आर्म्स ग्रुप उसका अंदर सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने जा रहा हूँ सिंपली नेक्स्ट बटन पर मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्रिएट कि अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो सिंपली आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देना है मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्ज़ाम्पल देता हूँ ए बी स्मॉल में डी कैपिटल स्मॉल में सी उसके बाद में जो है स्मॉल में मैंने सी डाल दिया उसके बाद में यहाँ पे नंबर वाले पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड दी रेट दे करके मैं यहाँ पे डाल डाल सकता हूँ वन फिर हाइज दे करके टू फिर एड देख करके थ्री फिर हज देख करके फोर इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप अपना कौन सा पासवर्ड यहाँ पर रखना चाहते हैं और पासवर्ड का आप स्क्रीन ले लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को आप डाल करके लॉग कर सकते हैं इस ई मेल आई डी को इसका भी हल बताऊँगा आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सिंपली आप पे लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए आपको जीमेल से रिलेटेड जितने भी डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस मौजूद हैं इसके बाद पासवर्ड जैसे आप डाल लेंगे शो पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को देख सकते हैं देखने के बाद सिम्ली आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने पासवर्ड क्या डाला है उसके बाद में ऐड फोन नंबर बताएगा आपको तो सिंपली आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हुए और यहाँ यस आई एम इन पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद आपको बताएगा रिव्यू योर अकाउंट इन्फो तो आप अपने ईमेल आईडी को देख लीजिए कि वाकई में ये सही है तो सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो आप सिंपली क्या कीजिए नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद में आपसे पूछेगा प्राइवेसी एंड टॉर्म्स सिम्पली आपको स्क्रॉल अप करते हुए जाना है ऊपर की तरफ लेकर जाइए और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा आई एग्री सिंपली आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा गूगल सर्विसेज का सिंपली आपको यहाँ पे इंतज़ार कर लेना है ई मेल क्रिएट होते ही जो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा जी मेल एप्लीकेशन के अंदर में आप फिर से जी मेल ऐप में आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से आप उसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ना जहाँ पर आपका फोटो या फिर आपके नेम का पहला कैरेक्टर नजर आएगा सिंपली स्कोर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा आपका ईमेल आईडी सिंपली आप उसी ईमेल आईडी पे क्लिक करके उसमें जो भी मेल आए होंगे सारे के सारे को आप देख सकते हैं इस तरीके से बासानी आप अपने लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल के लिए हो चाहे वो आपके प्ले स्टोर के आई के लिए हो या फिर आप उस ईमेल आई को किसी को देना चाहते इसलिए हो अगर आपने अभी तक के प्ले को एक्सेस नहीं किया तो सिंपली आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वहाँ पे आपको जी मेल से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा ना वो सॉल्व हो जाएगा और यूट्यूब क्रिएटर से रिलेटेड अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जो है उसको एक्सेस कर लीजिए और यूट्यूब के बारे में जान करके यूट्यूब पर आप ग्रो करते चले जाइए